हेलो एवरीवन, दिस इज निलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी फिजिक्स क्लासेस। वेल, पिछले टर्न पे मैंने आप लोगों को प्रिज्म के बारे में बताया, साथ साथ मैंने आपको प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक हेतु व्यंजक हम लोगों ने स्थापित किया था। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए हम लोगों ने जो सूत्र की स्थापना करी थी, हमारा सूत्र आया था म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन ए। ये मैंने आप लोगों को पिछले टर्न पे सिद्ध कराया था। क्लियर? कोई भी पूछे प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र क्या है, आप बोलेंगे म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। सीन क्लियर है सभी को? ए यहाँ पर प्रिज्म का कोण है, डेल्टा एम को बोलते हैं न्यूनतम विचलन कोण, बाकी सब आप जानते ही हो। अब आगे की कहानी कहते हैं, मैंने आपको बताया था अगर प्रिज्म का कोण 10 डिग्री से छोटा है, अगर प्रिज्म का कोण 10 डिग्री से छोटा है तो उसे हम लोग पतले प्रिज्मों में कंसीडर करते हैं। सही बोल रहा हूं? अच्छी बात है, ये भी बात आप लोग जानते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। एक टाइम था जब मैंने आपको ये बात बताई थी कि साइन थीटा में अगर थीटा का मान बहुत ज्यादा छोटा होता है तो साइन थीटा को लगभग बराबर थीटा लिख सकता हूं। क्लियर? अब आप गौर से देखिए, मैं कह रहा हूं यदि प्रिज्म पतला है, यदि प्रिज्म पतला है, यदि प्रिज्म पतला है तो कुछ क्लियर हुआ आपको? क्या क्लियर हुआ? कि भैया प्रिज्म के कोण का मान 10 डिग्री से छोटा होगा, न्यूनतम विचलन कोण ये भी न्यूनतम ही होता है, और विभा में लगभग दो को भाग तो बहुत ज्यादा छोटा है वो, समझ रहे हैं? तो जो चीजें अब यहाँ साइन थीटा में थीटा का मान बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा बराबर थीटा लिख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर ये मान और ये मान बहुत छोटे हैं तो साइन थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ? थीटा। तो यहाँ पर इसको ऐसे कैसे लिखूंगा? तो म्यू बराबर ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन ए बाई टू साइन का अंग। समझ में आई बात? ऐसा कब होगा? जब प्रिज्म पतला। तो यदि प्रिज्म पतला है, पतला कब होता है मालूम है ना? जब प्रिज्म कोण का मान 10 डिग्री से छोटा। टू से टू कट गए, बोलो भैया टू से टू कट गए, ए को कैंची गुणा करके इधर पहुंचा दिया तो म्यू ए बराबर ए प्लस डेल्टा एम। कहोगे को परेशानी हो तो बताए, अगर यहां तक क्लियर है तो फिर आगे देखते हैं। ए को इधर ले आऊंगा तो ये हो जाएगा म्यू ए माइनस ए बराबर डेल्टा एम। बोलो भैया क्या कॉमन आ रहा है इसमें? ए कॉमन आ जाएगा तो क्या बच जाएगा? अंदर बराबर डेल्टा एम। क्लियर? तो आपके न्यूनतम विचलन कोण का सूत्र आ गया डेल्टा एम बराबर म्यू माइनस वन इन टू ए। आगे की कहानी इसी पे बेस्ड है, समझ गए मेरी बात को? क्लियर? न्यूनतम विचलन कोण का सूत्र क्या होता है? डेल्टा एम बराबर म्यू माइनस वन इन टू ए। गॉट के पी जाना, ये बार बार लगेगा। और सुनो, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र भी अच्छे से याद होना चाहिए, म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन। ऐसा ना लग रहा है ये डिजाइन साइन आई अपॉन साइन आर जैसो है? आई की जगह का आएगा वो ए प्लस डेल्टा एम बाई टू, आर की जगह का आएगा ए बाई टू। कहानी समझ में आ रही है? पूछूंगा अभी इन सब सूत्रों को, ये सूत्र भी टकाटक याद होना चाहिए और ये भी बढ़िया तरीके से याद होना चाहिए। ये कब लगेगा? हाँ, जब प्रिज्म का कोण 10 डिग्री से छोटा होगा, अन्यथा फिर जी तो आता ही है। क्लियर है? समझ गए? फटाफट नोट दे, बाद में देखियो नोट आवाज में। यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब अगर किसी ने मुझसे पूछा कि भैया न्यूनतम विचलन कोण को प्रभावित करने वाले कारक बताओ, क्या बताओ? न्यूनतम विचलन कोण को प्रभावित करने वाले कारक बताओ। तो यहाँ न्यूनतम विचलन कोण मुझे साफ दिखाई दे रहा है, समानुपाती है म्यू के, समानुपाती है ए के। और याद है मैंने जब ये चैप्टर शुरू किया था एक बड़ा सा नोट पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था म्यू और लैम्डा एक दूसरे के कैसे होते हैं। तो म्यू ये है तो ये लैम्डा भी आ जाएगा यहाँ पर। तो सुनो, न्यूनतम विचलन कोण को प्रभावित करने वाले कारण, सबसे पहला प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक पर, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा न्यूनतम विचलन कोण का मान होगा, और अगर प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कम होगा तो न्यूनतम विचलन कोण का मान होगा। जो बोला पल्ले पड़ा, प्रिज्म के कोण पर या अपवर्तक कोण भी बोल देते हैं एक ही बात है। तो प्रिज्म के कोण पर, प्रिज्म के कोण का मान जितना अधिक होगा न्यूनतम विचलन कोण का मान, और प्रिज्म के कोण का मान अगर कम होगा तो न्यूनतम विचलन कोण का मान। समझ गए?
अगला प्रेत प्रकाश की तरंग देर पर, प्रेत प्रकाश की तरंग देर अधिक होगी तो न्यूनतम विचलन कोण का मान कम होगा। प्रकाश की तरंग देर अगर कम होगी तो न्यूनतम विचलन कोण का मान, बात समझ में आ रही। अब यहीं पे एक बात और बताओ, मैं चाहता हूँ कि न्यूनतम विचलन कोण ज्यादा से ज्यादा हो तो तरंग देर कम, और तरंग देर से घंटे कम कौन से की होते हैं, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि बैंगनी रंग की तरंग देर सबसे कम होती है तो बैंगनी रंग के लिए न्यूनतम विचलन कौन सबसे अधिक होगा। लाल रंग की तरंग देर सबसे अधिक होती है तो लाल रंग के लिए न्यूनतम विचलन कौन, समझ में आ गई मेरी बात, सीन क्लियर है। कौवे को परेशानी तो देख लो फटाफट, सुनो क्या क्या देख लो, कल ये डेरिवेशन कराया था उसके बाद का आपका नोट क्लियर हो गया ये, और साथ साथ उसी के बाद होगा न्यूनतम विचलन कोण को प्रभावित करने वाले कारक, तो ये भी हो गया। फटाफट पढ़ लो फिर आगे बढ़ूंगा। इसके बाद अब हमारे सामने अगला प्रश्न है, उसमें कह रहा है एक पतला प्रिज्म है, साफ बोल दिया उसने पतला प्रिज्म है, और प्रिज्म के पदार्थ का आवर्तनांक 1.5 है और न्यूनतम विचलन कोण 10 डिग्री दे रहा है, तो कह रहा है प्रिज्म का कोण या प्रिज्म का अपवर्तक कोण ज्ञात करो। तो भैया पतला प्रिज्म है तो हमारी मैंने ताजा ताजा पढ़ी है डेल्टा एम बराबर ई माइनस 1 इंटू ए, तो डाला डेल्टा एम तो होती है 10 म्यू माइनस 1, म्यू कितने 1.5 माइनस 1 इंटू ए, बोलो भैया 10 1.5 में थे माइनस 1 गए तो 0.5 इंटू ए, दस वाला बटाओ तो जीरो बढ़ जाएगी, पांच एक पांच, पांच दो नहीं दस, दो ही धाई, तो प्रिज्म का कोण आ गया हमारा 30। क्लियर है सभी को, कागवे को परेशानी क्लियर है, उतार लो फटाफट फिर आगे बढ़ूंगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमको दे रहा है, कह रहा है एक 60 डिग्री अपवर्तक कोण वाला प्रिज्म है, कितना प्रिज्म है 60 डिग्री अपवर्तक कोण वाला, यानी प्रिज्म का कोण कितना दे रहा है आपको 60 डिग्री, कितना दे रहा है बेटा 60, तो कह रहा है 60 डिग्री अपवर्तक कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक अंडर रूट 2 है, यानी अपवर्तनांक दे दिया उसने अंडर रूट 2, बोलो भैया। तो कह रहा है कि अगर 60 डिग्री अपवर्तक कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक अंडर रूट 2 है तो न्यूनतम विचलन कोण बता दो कितना होगा, ठीक है भैया। दूसरा कह रहा है आपतन कोण बता दो, फिर कह रहा है अपवर्तन कोण बता दो, और फिर कह रहा है निर्गत कोण बता दो, कहानी समझ में आ रही है। और ये भी उसने बोला है प्रिज्म न्यूनतम विचलन की स्थिति में, काय की स्थिति में न्यूनतम विचलन की स्थिति में, तो चलिए देखते हैं इसे। तो भैया म्यू दो है, प्रिज्म का कोण दो 60 डिग्री, बचपन में जो पढ़ दो तो म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू बटे साइन ए बाई टू, बोलो भैया का गलत के अधीन नहीं लगा, म्यू की दे दो ना लाए करने रूट दो बराबर साइन, ठीक है। अच्छा एक बार बताओ, म्यू की जगह रूट टू साइन ए बाई टू जा रंग लिया हूं, कैची गुणा करके लग गया तो साइन ए की जगह का टांग दू जा मैं 60 बटे दो बराबर साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई टू, समझ में नहीं आ रही है, आएगी का सिगर आ जाओ तो दो ते 60 के बेर कट जाएंगे 30 बेर रूट टू साइन 30 का मान एक बटे दो, साइन 30 एक बटे दो होता है ना, क्लियर है बराबर यहां का आए दो साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई टू, जन्नो का हुए को परेशानी का, अगर तुम्हें बुरी नहीं लगे तो टू ए नहीं लिख दू रूट टू इंटू रूट टू, बोलो तो रूट टू बोलो, सीन क्लियर है ना, रूट टू फिर रूट टू रूट जाएंगे का बच्चे को 1/√2, 1/√2 साइन में कितने डिग्री पे आता है, हाँ तो 1/√2 की जगह साइन 45 डिग्री लिख सकता, लिख सकता नहीं लिख सकता, लिख सकता साइन ते साइन सटक जाएंगे तो 45 बराबर का बचेगी, नहीं थोड़ा डायरेक्ट डायरेक्ट खेलू 45 दुनी और 60 जालंग आ जाएंगे तो डेल टाइम बराबर 30 डिग्री लिख दो, अगर बुरी नहीं लग जाए तो साची कह देता हूँ, तो डेल टाइम बराबर ते आइए इलाला रे 30 डिग्री, ये को आया वो को आया ये डेल टाइम, अब लाला करने मुझे आई और पूछिए का पूछिए, तो लाला रे मैंने हवाले ताजा ताजा पढ़ी है म्यू बराबर साइन, ये आई तो है तो आई काय के बराबर है
ए प्लस डेल्टा एम बाई टू, मैं डायरेक्ट डायरेक्ट गए चलो करो कैलकुलेशन, ए को मान कितने गए 60, डेल्टा एम कितने गए कितने गए वो 90/2, आप महान हैं, समझ गए, क्लियर है। चलो अब मुझे अपवर्तन कोण पूछ रहे हो, हाँ तो न्यूनतम साइन आर न्यूनतम विचलन की स्थिति में ये तो मान होते थे, बोलो बोलते क्यों नहीं हो, क्या याद है तुमको, एक ही देखे एक आए 60 कौन सा जो 15 बार देख रहे हैं बटे की बार से जन का 30 डिग्री क्योंकि एक का मान 60 है ना, बोलो भैया। अब अपन ने और क्या चाहिए, ई तो यही कर दूं, क्या कर सकता हूं, न्यून चबोए उसने साफ बोला है अल्पतम विचलन, अल्पतम यानी न्यूनतम, तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में इसमें न्यूनतम विचलन की स्थिति में रखा है, तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में निर्गत कोण पूछ रहा है, तो मोह वाले में न्यूनतम विचलन की स्थिति में आई बराबर ई होता था, तो ई का आई के बराबर हो जाएगा, तो आई अपन पहले ही तान चुके हैं, नहीं है मेरी बात, मैंने समझ नहीं आ रहा कहां कराए हुए चपटे हैं, कर लियो ये का उतार लियो फटाफट, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे सामने अगला प्रश्न है, सुनिएगा सभी लोग, अगले प्रश्न में पट्टा मुझसे कह रहा है, अगले प्रश्न में मुझसे कहा जा रहा है कि भैया एक प्रिज्म है जिसका अपवर्तक कोण 60 डिग्री है, कितना है प्रिज्म का अपवर्तक कोण, कितना है बबुआ 60 डिग्री है, कितना है, तो प्रिज्म के कोण को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, आगे कह रहा है प्रिज्म का अपवर्तक कोण 60 डिग्री है और उसका न्यूनतम विचलन कोण जो है वो 30 डिग्री है, कितना है 30 डिग्री, तो कह रहा है उसका आपतन कोण बता दूं यानी आई बता दूं, कह रहा है उसका अपवर्तन कोण बता दूं यानी आर बता दूं, और कह रहा है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक बता दूं यानी न्यू बता दूं, बोलो भैया क्लियर है। अच्छा न्यूनतम विचलन की स्थिति है, न्यूनतम विचलन कोण दे रहा है, तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में आई का आई के बराबर होता था, वो तो होता था लेकिन आई बराबर ए प्लस डेल्टा एम बाई टू, बोलो ए 60 है डेल्टा एम 30 है, 60 और 30 90/2 क्लियर, अपवर्तन कोण आर, आर बराबर ए बाई टू, ए कितने 60 नहीं बस दोनों आ गए, अपने प्रिज्म के पदार्थ को अपवर्तनांक पूछो पट्टा ने, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तन बचपन से जान रहे हैं अपन, तो म्यू बराबर साइन या तो ए प्लस डेल्टा एम बाई टू, जी तो निकाल रहा अपन ने, तो सी तो साइन आई लिख दे, तो आई को ही तो माने अपॉन साइन आर, दो हफ्तों में अपने आई आ तो कहने लगा वो आरो कले सी नहीं आई बास में आगो बहुत बोई आओ नहीं आओ आओ, तो साइन आई की देवे लाला रे आई कहा हो तुम जरे 45 अपॉन साइन आर कितने गए 30, साइन 45 कितने गए होते है 1/√2, साइन 30 कितने गए होते है, तो म्यू बराबर जे तो 1/√2 है, जे एक बटे तो ऊपर जाओ पलट जाओ काए जाओ बोलो हाँ लियो 2/1 ठीक है, तो म्यू बराबर 2 1 2 दो एकम दो, तो दो को ऐसे लिखो √2 √2 वटे √2 का एक से गुणा करूंगा √2 √2 √2 कट गए, तो म्यू बराबर हमारा कितना आ गया, या तो √2 लिखा रहने दो या फिर √2 का मान रख दो 1.41। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस, डू यू अंडरस्टैंड दैट, नोट इट डाउन, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे सामने एक और न्यूमेरिकल दिया हुआ है, दिया है कि नहीं दिया, इसके बाद हमारे को जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है उसमें मुझसे बोल रहा है एक समबाहु प्रिज्म, समबाहु मतलब सभी भुजाएं समान, केवल भुजाएं समान, तो कौन कितने कितने के होंगे, इसका मतलब समबाहु प्रिज्म उसने दे दिया, तो हमें जाने अनजाने प्रिज्म का कोण दे दिया 60 डिग्री, बोलो ये दे दिया नहीं दे दिया, अब वो कह रहा है समबाहु प्रिज्म है जिसका अपवर्तनांक है 1.5, कितना है अपवर्तनांक 1.5 यानी कांच का प्रिज्म हो गया, अब वो कह रहा है यदि उसमें निर्गत कोण आपतन कोण के बराबर हो, ई बराबर आई कह रहा है, ई बराबर आई कह रहा है, तो इससे ये बात और क्लियर हुई है न्यूनतम विचलन की स्थिति में, क्लियर, और ये भी कह रहा है कि निर्गत कोण जो है ना, निर्गत कोण जो है वो 3/4 है प्रिज्म के अपवर्तक कोण का,
सफेद मिल के कोण को अपन ए से प्रदर्शित करते हैं। तो कह रहा है न्यूनतम विचलन कोण का मान बता दो, डेल्टा एम का मान। क्वेश्चन समझ गया आप सब लोग? बोले भैया कागुआ को परेशानी हो तो बताए नाने, तो सुने ई बराबर तीन बटे चार को कौन हमें पता चलोगे साठ है। बोले भैया चाहते देखो कै वीर पंद्रह तीन पंद्रह का कौन कितने का आएगा पैतालीस, और ई बराबर आई है तो जे आई है, समझ में आई है कभी तो बताइए। क्लियर? तो आई बराबर ई बराबर आई है पैतालीस। अब पत्थर ने मोते कहा पूछिए डेल्टा एम बताऊ, कहा बताऊ डेल्टा एम बताऊ तो मैं बताऊ तो लाला ये आई ते आई आई बराबर बचपन में अपन ने पढ़ी ए प्लस डेल्टा एम बाई टू है ना, आई बराबर ए प्लस डेल्टा एम बाई टू, आई बराबर ए प्लस डेल्टा एम बाई टू। आई कितना है अपने पास? पैतालीस। बराबर ए कितना है? साठ प्लस डेल्टा एम बाई टू। पैतालीस दुनी और साठ जालंग आ गई तो डेल्टा एम बराबर कितने गए को? समझ में आई बात? सीन क्लियर है? कागुए को परेशानी बता लियो फटाफट। इसके बाद हमसे कुछ कह रहा है, मालूम है क्या कह रही है? यो कह रही है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हो? आप तो सारी चीजें तेल लेने, वर्ण माने रंग, और विक्षेपण माने विक्षेपण मतलब कोई चीज अपनी जगह से हिल जाए डुल जाए तो वो क्या है? नहीं आई बात समझ में? क्लियर? बाल तो अपनी जगह से चिक के दूसरी जगह बैठ जाओ तो आप विक्षेपित हो गए, नहीं आई बात समझ में? घड़ी का कांटा कहाँ पे विक्षेपित हो गया देखना जरा, समझ गए ना? क्लियर? तो कांटा इधर उधर रमक रहा हो तो कहा रहो विक्षेपित रहो, नहीं आई मेरी बात समझ में? कहा आ गई विक्षेपण, यानी एक जगह से दूसरी जगह हिल डुल जाना। क्लियर? पत्थर ने मुझे जो कही है कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, तो क्या समझते हैं? इधर देखिए ये कौन है? प्रिज्म। ये कौन है? प्रकाश। यहां से मैं श्वेत प्रकाश डाल रहा हूं, श्वेत प्रकाश समझते हो? व्हाइट लाइट है ना जो सूर्य से आ रहा है, सूर्य से व्हाइट लाइट आ रही है। कौन सी लाइट आ रही है? श्वेत प्रकाश सात रंगों का समूह होता है। क्लियर? श्वेत प्रकाश ग्रुप होता है, समूह होता है सात रंगों का, बेजानी अपीनाला विभ्योर सुना होगा आपने, कभी सुना है कभी जिंदगी में? क्या ना सुना कब हूँ? क्लियर? तो इस क्लियर, यहाँ से मैंने श्वेत प्रकाश डाला, जैसे ही भाई साहब मैंने श्वेत प्रकाश डाला सात रंग जाएंगे तो सातों के सातों रंग जैसे ही प्रिज्म पे पड़ेंगे तो ये तुरंत फैली गई, फैली गई। क्लियर है ना? जब किसी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म में से होकर गुजारा जाता है तो वो अपनी अवयवी सात रंगों में विभक्त हो जाता है, इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्लियर? पहले सुन लो बाकी बात पढ़ लियो, नोट्स तो घरे रहेंगे ही तुम्हारे पास, मौका दूंगा आपको पढ़ने का मौका। क्लियर? तो अगर किसी पट्टी ने मुझसे पूछ लिया वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, तो आप उसे बोलिएगा जब किसी श्वेत प्रकाश की किरण को प्रिज्म में से होकर गुजारा जाता है तो वो अपने अवयवी सात रंगों में विभक्त हो जाता है, इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? कागुए को परेशानी? ये आपकी वर्ण विक्षेपण की परिभाषा क्लियर हो गई। फिर इसी के साथ कोई आपसे पूछेगा अगला प्रश्न जो है आपके नोट्सों में, स्पेक्ट्रम या वर्ण क्रम से आप क्या समझते हैं? क्या तो श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म में से होकर गुजारने के बाद यदि किसी पर्दे पर प्राप्त कर लिया जाए, ये मैंने इसे क्या किया, एक पर्दे पर प्राप्त कर लिया इन सातों रंगों को, नहीं यही बात समझना, इनको मैंने ये पर्दे पर प्राप्त कर लिया। क्लियर? इसको हम लोग बोलते हैं विभ्योर। क्या बोलते हैं? विभ्योर। क्लियर? हिंदी में लिखता हूं, बेजानी अपीनाला। क्लियर? बैगनी जामुनी नीला हरा पीला नारंगी लाल। क्लियर है? समझ में आ रही है बात?
यानी कहने का तात्पर्य है श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने के बाद यदि उसे पर्दे पर प्राप्त कर लिया जाए तो यहाँ पर रंगों का एक क्रम प्राप्त होता है जिसे हम स्पेक्ट्रम या वर्ण क्रम कहते हैं। समझ गए? वर्ण विच्छेपण जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो वो अपने विभिन्न सात रंगों में विभक्त हो जाता है, इसे वर्ण विच्छेपण कहते हैं। और जब इन रंगों को पर्दे पर प्राप्त कर लिया जाता है तो इसे स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम कहते हैं। क्लियर? इसमें प्रिज्म के आधार की ओर सदैव बैंगनी रंग होता है और आधार के विपरीत दिशा में सदैव लाल रंग होता है। रंगों का क्रम इस प्रकार है, बेजानी हबी नाला। नहीं आई मेरी बात समझ में? सीन क्लियर है? कौए को परेशानी हो तो बताए, तो फिर पढ़ लो वर्ण विच्छेपण भी पढ़ लो और स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम भी पढ़ लो। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को वर्ण विच्छेपण और वर्णक्रम की परिभाषा समझ में आ गई। इसके बाद आपको पूछ रहा है वर्ण विच्छेपण का कारण बताइए। वर्ण विच्छेपण की कारण की अगर हम लोग बात करें तो यार हो एक बात बताओ, मैंने एक जमाना था जब ये सूत्र सुना था डेल्टा एम बराबर मी माइनस वन, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक बदल जाएगा तो विचलन कोण बदल जाएगा, किरणें अगर विचलित होंगी तो अपने मार्ग से हिलेंगी डुलेंगी। अच्छी बात है, समझ में आता है। अपन ने ये भी पढ़ा था अगर आपको याद हो तो, पढ़ा था। अब आप गौर से देखिएगा, समझदार के लिए सारा काफी है। जैसे ये किरण जा रही है, अलग अलग रंगों के लिए विचलन कोण अलग अलग होगा तो सब अलग अलग रास्ते से जाएंगे, तभी तो जाएंगे। तो सुनिएगा वर्ण विच्छेपण का कारण क्या है। वर्ण विच्छेपण का कारण ये है कि यहाँ पर जो श्वेत प्रकाश आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो सात रंगों का समूह है और प्रत्येक रंग की तरंग दैर्ध्य अलग अलग होती है, और प्रत्येक रंग की तरंग दैर्ध्य अलग अलग होगी तो प्रत्येक तरंग दैर्ध्य के लिए अलग अलग रंगों की तरंग दैर्ध्य के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक अलग अलग हुआ। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक अलग अलग हुआ तो विचलन कोण का मान अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग हुआ, और जब विचलन कोण सबके अलग अलग होंगे तो जाहिर सी बात है किरणें फैल जाएंगी। नहीं, ये बात समझ? तो यही वर्ण विच्छेपण का कारण है। कहानी समझ में आई कि नहीं आई? बोलो भैया, सीन क्लियर है सभी को? कहोगे को दिक्कत? पढ़ लो फटाफट वर्ण विच्छेपण का कारण, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। इसके बाद अब हमसे पूछा जा रहा है कोणीय वर्ण विच्छेपण से आप क्या समझते हैं, समझाइए। क्या पूछ रहा है हमसे? कोणीय वर्ण विच्छेपण से आप क्या समझते हैं, समझाइए। तो मैं समझाऊं, तो कोणीय वर्ण विच्छेपण से मैं क्या समझता हूं वो मैं आप लोगों को बताता हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अभी अभी मैंने बताया था आपको ये विवग्योर है। बोलो भैया, को परेशानी? मुझसे पूछा जा रहा है कोणीय वर्ण विच्छेपण क्या होता है, कोणीय वर्ण विच्छेपण से आप क्या समझते हैं। तो पहले तो मैं आपको देसी कट बताऊंगा फिर विदेशी कट बताऊंगा। क्लियर? किसी प्रिज्म से जब प्रकाश की किरणें गुजरती हैं तो ये ऐसे फैल गए, तो ये कितने डिग्री के कोण पर सारे रंग फैल गए, इसी को हम बोलते हैं कोणीय वर्ण विच्छेपण। समझ गए? क्लियर है? नहीं, यही बात समझ? इसका मतलब जैसे मान के चलो किसी प्रिज्म के लिए कोणीय वर्ण विच्छेपण 15 डिग्री है, तो जाको मतलब आप प्रिज्म से जब प्रकाश की किरणें निकलेंगी ना तो ये सातों के सातों रंग 15 डिग्री के एंगल पे फैल जाएंगे। नहीं है मेरी बात? समझ गए? ओके, अब अपन विदेशी में बात करते हैं। भाई माइकल लाल जो मुझे ये बता दे आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को कौन सा कोण कहते हैं? मैंने कही ना वो वही तो चक्कर है, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन कौन कहते हैं? चल बताओ तो, मैंने कमीनो जब डेरिवेशन करा हो तो ना म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू साइन ए बाई टू बातें जस्ट पहले यही बताओ तो पहले मैंने विचलन कौन आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन कौन कहते हैं? आओ आओ गौर से देखिएगा, आपतित किरण यही तो है, कायदे ऐसे 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 जाना चाहिए था। बोलो भैया, आपतित किरण ये हो गई, अब निर्गत किरण तो जाना साथ साथ है। बोलो भैया क्या कहे? साथ साथ। तो आपतित किरण ये हो गई, अब निर्गत किरण अगर मैं लाल वाली देखूं, लाल वाली समझना मेरी बात को, तो निर्गत किरण ये है तो इसे अगर पीछे बढ़ाऊंगा तो ये ऐसे कहानी बन जाएगी। तो आपतित किरण ये होगी, निर्गत किरण ये होगी, तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं। तो ये विचलन कोण कौन से रंग के लिए हो गया? लाल रंग के लिए हो गया। किसके लिए हो गया? विचलन कोण डेल्टा लाल रंग के लिए, इसलिए सफिक्स में आर लिख दिया। समझ गए? अच्छा, अब बैंगनी रंग के लिए वो हराना होगा, बैंगनी रंग के लिए तो आपतित किरण ये हो गई, निर्गत किरण ये हो गई, इसे अगर पीछे की तरफ बढ़ाऊंगा तो ये विचलन कोण किसके लिए हो गया? आपतित किरण ये, निर्गत किरण ये, तो ये विचलन कोण किसके लिए हो गया बताओ जरा? मैं थोड़ा इधर बना देता हूँ, कर रहा हूं, ये बैंगनी रंग के लिए विचलन कोण हो गया। बोलो भाई, नहीं यही बात समझ रहे हैं? अगर थोड़ा सा अगर आप चाहें तो जैसे लाल रंग को मैंने ऐसे पीछे बढ़ाया, ये इसको बढ़ा दिया,
ये ऐसे ही सातों के सातों रंग यही मिल जाएंगे तो यही तो कौन ही बड़े पीछे पड़े, ये और ये बात तो एक ही है। ये अगर 30 डिग्री है तो जो 30 ही है, नहीं है मेरी बात सकते, लाल रंग की आएगा बैगनी की आएगा, समझ गया मेरी बात को, क्लियर है। मुझे एक बार बता दो, जे डेल्टा भी है, जे डेल्टा आ रहा है तो थीटा को मान कितने को बता दे, सीन क्लियर है, क्या होगा डेल्टा बी माइनस डेल्टा। तो ये कौन कौन से दो रंगों के बीच कौन ही वर्ण विच्छेपण है, बैगनी और लाल, तुमने बताइए। इसी तरीके से किन्हीं भी दो रंगों के लिए कौन ही वर्ण विच्छेपण निकाला जा सकता है, मानते नहीं मानते, तो सुन ले लल्ला, कौन ही वर्ण विच्छेपण की परिभाषा ये क्या है, कोई भी दो रंग है, किसी भी दो रंग के बीच का हो सकता है, यहाँ पे बैगनी और लाल है, आप किसी भी दो रंग के बीच का निकाल सकते हैं, किन्हीं भी दो रंगों के। अच्छा डेल्टा क्या होता है, न्यूनतम विचलन कोण, क्या है न्यूनतम विचलन, तो ऐसा नहीं लग रहा ये किन्हीं भी दो रंगों के न्यूनतम विचलन कोणों का अंतर है, क्या है किन्हीं भी दो रंगों के न्यूनतम विचलन कोण में अंतर को कोणीय वर्ण विच्छेपण कहते हैं, इसे अक्षर थीटा से प्रदर्शित करते हैं, समझ गए क्लियर। किन्हीं भी दो रंगों के न्यूनतम विचलन कोणों में अंतर को कोणीय वर्ण विच्छेपण कहते हैं, इसे अक्षर थीटा से प्रदर्शित करते हैं, काउए को परेशानी होए तो बताए नाने तो फिर सुने। इधर देखिए, इधर न्यूनतम विचलन कोण मैंने पढ़ाया था आपको सूत्र म्यू माइनस वन इंटू, आते से ही सबसे पहले यही बताया था मैंने, अगर बैंगनी रंग के लिए यह सूत्र बनाना है तो डेल्टा वी बराबर हो जाएगा म्यू वी माइनस वन इंटू ए, लाल रंग के लिए न्यूनतम विचलन कोण अगर मुझे चाहिए तो म्यू आर माइनस वन इंटू ए, समझ में आई बात, चलो लगाओ इन सूत्र ने, चलो बताओ बताओ देखे कौन सा बता रहे हो, डेल्टा वी की जगह का ताने दो, डेल्टा आर की जगह का ताने दो, समझ में नहीं आई, ब्रैकेट खोल देता हूँ म्यू वी ए माइनस ए, जो ब्रैकेट है खोलो तो देखो म्यू आर ए माइनस ए, ठीक है, और माइनस को भी यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा गुणा कर दूंगा तो माइनस, समझ में नहीं आई, माइनस ए थे प्लस ए अलवे आ जाएंगे तो थीटा बराबर का आ जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर ए, कॉमन लेके बाहर ले लो बोलो लगो तुम्हें लगे लग जाए होगा कर दो, क्लियर है, समझ गए ये कहते आवाज समझ में आएगी बात, क्लियर। तो अगर किसी ने पूछा कौन ही वर्ण विच्छेपण से आप क्या समझते हैं समझाइए, तो हम उसे बोलेंगे कि लाल रे किन्हीं भी दो रंगों के लिए न्यूनतम विचलन कोणों में अंतर को कौन ही वर्ण विच्छेपण कहते हैं, क्लियर है क्लियर। ये कौन से दो रंगों के बीच का कौन ही वर्ण विच्छेपण है, किसी अन्य दो का लेना है तो अन्य दो रंगों को ले लो, नहीं बस तो किन्हीं भी दो रंगों के लिए न्यूनतम विचलन कोण में अंतर को उन्हीं दो रंगों के लिए कौन ही वर्ण विच्छेपण कहते हैं, इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। अब गो मोते ने पूछा कि कार्य फल आने इन्हें प्रभावित करने वाले कारक बताओ, तो प्रिज्मेटिक पदार्थ के अपवर्तनांक पर पदार्थ का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा कोण ही वर्ण विच्छेपण उतना ही अधिक होगा, प्रिज्म के कोण पर प्रिज्म का कोण अगर बढ़ जाएगा तो कोण ही वर्ण विच्छेपण का मान बढ़ जाएगा, समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, पढ़ लो समझ जाओगे। तो आगे बढ़ते हैं, कोण ही वर्ण विच्छेपण अगर आप लोगों को समझ में आता है तो गौर से देखिएगा, यहाँ पर ये क्या है, ये का बना होता है, दो प्रकार के कांच होते हैं, एक क्राउन कांच का प्रिज्म होता है, एक फ्लिंट कांच का प्रिज्म होता है, क्या क्या का होता है, इसमें फ्लिंट कांच के जो प्रिज्म होते हैं ना उनका अपवर्तनांक क्राउन कांच के प्रिज्म के अपवर्तनांक की अपेक्षा ज्यादा होता है, तो आप बताओ कोणीय वर्ण विच्छेपण किसमें ज्यादा होगा, फ्लिंट कांच के प्रिज्म में या क्राउन कांच के प्रिज्म में, फ्लिंट कांच के प्रिज्म में, क्योंकि फ्लिंट कांच के प्रिज्म का पदार्थ का अपवर्तनांक अधिक होता है इस वजह से उसका कोणीय वर्ण विच्छेपण अधिक होता है, क्राउन कांच के प्रिज्म का अपवर्तनांक कम होता है इसलिए उसका कोणीय वर्ण विच्छेपण कम होता है। ओटी वगैरह में पूछ सकता है क्राउन कांच और फ्लिंट कांच के अपवर्तनांक में किसके प्रिज्म का अपवर्तनांक अधिक होता है, तो बताना फ्लिंट कांच के प्रिज्म का अपवर्तनांक अधिक होता है, इसके बाद नोट लिखा है पढ़ लो समझ जाओ, ठीक है। तो फिर आज के लिए पर्याप्त, कल फिर मिलते हैं, थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस, जय।